हेलो एवरीवन, अभी हम लोग 15 अगस्त के ऊपर एक बेहतरीन भाषण बोलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन शायरी बोलेंगे। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना, कभी सरहद पे चल के देख लेना। सबसे पहले जो भी गणमान्य लोग हैं उनको हम लोग अभिवादन करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, वंदनीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज यहाँ हम अपने महान देश भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह हम सब के लिए गर्व, सम्मान और सौभाग्य का दिवस है। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था। तब से सारे भारतवासी स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। महात्मा गांधी, लाल बाल पाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि महापुरुषों ने देश की खातिर अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज के पावन अवसर पर मैं देश की सीमा पर खड़े हमारे सैनिकों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। इस दिन शासकीय अवकाश रहता है। स्कूलों, कॉलेजों और सभी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाता है तथा देशभक्ति पर अनेकों रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। आज़ादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की किया है, लेकिन आज भी हमारा देश गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, लिंग भेद आदि अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है। हमें एक साथ मिलकर इन समस्याओं को खत्म करना चाहिए। इस पर्व को मनाने से संपूर्ण राष्ट्र के मन में नई ऊर्जा, नई आशा, उत्साह और देशभक्ति का संचार होता है। तो चलिए हम सब मिलकर अपने देश को विकसित, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का प्रण लें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो आशा करता हूँ ये भाषण आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।